उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए दिन अपनी समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर सरकार की एम्बुलेंस सेवा की कुछ और ही हकीकत है। प्रतापगढ़ सरकार और स्वास्थ्य महकमे के दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एक युवक अपने पिता को हाथों में उठाकर अस्पताल ले जा रहा है। युवक की मुश्किल यही कम नहीं हुई है। जब वो अस्पताल पहुंचा तो वहां मौजूद डॉक्टर ने मरीज का खुद इलाज करने के बजाय फार्मासिस्ट को भेज दिया, जिसके बाद फार्मासिस्ट ने मरीज को इंजेक्शन लगाया, लेकिन मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल कोतवाली के आसलपुर गांव का रहने वाला बबलू अपने बीमार पिता अफजल का इलाज कराने के लिए बाबा बेलकनाथगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। करीब एक घंटे तक वो मिन्नत करता रहा, लेकिन धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा, जिसके बाद वो किसी तरह अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से वो अपने हाथों में पिता को उठाकर जिला अस्पताल की तरफ चल पड़ा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। इस वृद्ध की मौत ने स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का ये आलम स्वास्थ्य मंत्री शिवाकांत ओझा के गृह जनपद में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के क्या हालात होंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हमारे संवाददाता ब्रजेश का। ब्रजेश, यहाँ पर जिस तरह से दावे जो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं, जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से मानवता संसार हो रही है प्रतापगढ़ में, ये प्रतापगढ़ जो जनपद है वो स्वास्थ्य मंत्री का गृह जनपद भी है। बावजूद इसके यहाँ चाहे जिला अस्पताल हो या सीएससी हो या पीएससी हो, सभी जगह डॉक्टरों की मानवता पूरी मर चुकी है। डॉक्टर पहले तो बेहूदगी करते हैं मरीजों के साथ, उन्हें परेशान करते हैं, एक देश के दूसरे देश तक उन्हें भेजते हैं। सबसे पहले उन्हें प्रथम दृष्टया जो है इलाज करना चाहिए, लेकिन इलाज करने के बजाय वो मामले को टरकाते रहते हैं कि इलाज कोई दूसरा करे, प्राइवेट प्रैक्टिस मस्त रहते हैं। इसी सिलसिले में आज कुछ जो अस्पताल के डॉक्टर थे उनमें विवाद भी हुआ था, और डॉक्टर वहां पे नहीं थे, एक दो डॉक्टर थे जहां जब मरीज पहुंचा यहां अफजल उछल 62 साल उम्र है इनकी, आसलपुर गांव के रहने वाले हैं कन्हैया कोतवाली के, जब वो पहुंचे तो पहले उन्हें इधर से उधर भेजा गया। बाद में जब डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उन्हें ये नहीं बताया गया, उनके पुत्र हैं जो बबलू, उनको बताया गया कि इनकी हालत खराब है और इन्हें जिला अस्पताल लेके जाइए। जिला अस्पताल ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पहले उनसे पर्ची मांगी जाती है, पर्ची लिखवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, फिर दवा के लिए पैसे नहीं थे, दवा भी नहीं हो पाया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस की जो सेवा है, एम्बुलेंस की सेवा पूरी तरीके से बाधित थी। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिला, वो पैदल किसी तरीके से नया श्रवण कुमार, आज के आधुनिक श्रवण कुमार की तरह अपने मृत पिता को अपने गोद में उठा के किसी तरीके से ले जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे समाज सेवी मिले होंगे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहने के लिए तो सभी कहते हैं समाज सेवा और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य महकमा और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि एम्बुलेंस सेवा से लोगों को निजात मिलती है, लेकिन इस निजात का क्या फायदा जो मरीजों को ही ना मिल सके, जिसका लाभ बिल्कुल, ये सवाल खड़े करता है इंसानियत पर भी और साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे के ऊपर भी। डॉक्टरों के जरिए यहाँ पर इलाज भी नहीं किया गया, फार्मासिस्ट से इलाज कराने के लिए डॉक्टर ने कह दिया। बिल्कुल सरनम, जिस तरीके से यहाँ डॉक्टर अक्सर कभी फार्मासिस्ट से इलाज करने की बात करते हैं तो कभी जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो चपरासी या पीएन के द्वारा लगाया जाता है, सफाई कर्मियों के द्वारा लगाया जाता है। इस तरीके के कई सारे घटनाएं सामने अब तक आ चुकी हैं प्रतापगढ़ में। कहने के लिए तो जो डॉक्टर हैं सीएमओ, यहाँ सीएमओ सामने लगातार नेशनल वाइज लगातार जो है जिला अस्पताल की बदहाली की खबर दिखा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, बुखार से बचाओ सरकार। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।